गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता पटेल, असोम एक विद्यालय किला पारडी, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो विद्यार्थी मित्रों, इंग्लिश नी अंदर आपणे रिविजन में जोईए सेक्शन सी नी अंदर प्रश्न छे सीम्पल प्रेजेंट टेन्स नी खाली जग्या पूरो। तो ये खाली जग्या आपणे जोईए नंबर एक, अकाउ खाली जग्या अस मिल्क, काउंसमां छे गिव, तो क्रियापद ने पाछळ एस प्रत्यय लागशे, तो अकाउ गिव्स अस मिल्क। नंबर टू, दे खाली जग्या अ क्रॉन, काउंस छे प्ले, तो द प्ले अ क्राउन, क्रियापदनो मूळ पद लागशे। नंबर त्रण, मिहिर खाली जग्या अ लेटर, काउंसमां छे राइट, तो एस प्रत्यय लागशे, तो खाली जग्या जवाब आवशे मिहिर राइट्स अ लेटर। नंबर फोर, द टीचर्स खाली जग्या अस ग्रामर, काउंसमां क्रियापद आप्युं छे टीच, तो एस प्रत्यय लागशे, तो द टीचर टीचिस अस ग्रामर। नंबर फाइव, मोहन खाली जग्या अ पिक्चर, काउंसमां छे ड्रो, तो एस प्रत्यय लागशे, तो मोहन ड्रॉस अ पिक्चर। नंबर सिक्स, फाधर खाली जग्या अ न्यूज़पेपर, काउंस में छे रीड, तो एस प्रत्यय लागशे, तो शू थशे, तो फाधर रीड्स अ न्यूज़पेपर। नंबर सेवन, मगन एंड मोहन खाली जग्या टू ध मार्केट, काउंस नी अंदर छे गो, तो अहीं बे नाम आप्या छे मतलब माटे क्रियापदनुं मूळ रूप ज आवशे, मगन एंड मोहन गो टू ध मार्केट। नंबर एट, सी खाली जग्या अ चेर, काउंसमां छे सीट, तो एस प्रत्यय लागशे, सी सीट्स अ चेर। तो विद्यार्थी मित्रों, सीम्पल प्रेजेंट टेन्सनी खाली जग्या तमने आजे आठ करावी छे एनी अंदरथी ज पूछवामां आवशे। हवे पछी आपणे जोईए हेव हेज वडे खाली जग्या पूरो। एनी अंदर नंबर एक, आई खाली जग्या फोर पेन, तो एक पेन छे माटे शू आवशे हेल। नंबर टू, नेहा खाली जग्या अ नोटबुक, अही नेहा हेज अ नोटबुक। नंबर थ्री, दे खाली जग्या अ मार्केट, तो दे हेव अ मार्केट। नंबर फोर, मनन एंड मिहिर खाली जग्या अ कैरम, तो काउंस सॉरी शू आवशे मनन एंड मिहिर हैव अ कैरम। नंबर फाइव, द एलिफंट खाली जग्या अ टू इयर्स, तो जवाब आवशे द एलिफंट हैज अ टू इयर्स। नंबर सिक्स, आई खाली जग्या अ वन चॉकलेट, तो आवशे आई हैव अ वन चॉकलेट। नंबर सेवन, वी खाली जग्या मेनी टॉयज, तो वी हैव मेनी टॉयज। नंबर एट, ही खाली जग्या अ टू मार्बल, तो ही हैज अ टू मार्बल। नंबर नाइन, इट खाली जग्या अ स्टीक, तो इट हैज अ स्टीक। नंबर टेन, दे खाली जग्या अ कैरम, तो आवशे दे हैव अ कैरम। नंबर टेन सॉरी इलेवन, माही खाली जग्या अ मैंगो, तो आवशे माही हैज अ मैंगो। नंबर ट्वेल्व, वी खाली जग्या अ टॉयज, तो वी हैव अ टॉयज। हवे पछी आपणे જોઈએ ही सी અને ઈટ વડે ખાલી જગ્યાઓ પૂરો। એની અંદર નંબર એક, ખાલી જગ્યા ઇઝ અ મોહન, મોહન છોકરો છે માટે શું આવશે હી। નંબર ટુ, ખાલી જગ્યા ઇઝ અ નેહા, તો નેહા છોકરી છે માટે શું આવશે સી, છોકરો હોય તો હી અને છોકરી હોય તો શું આવે સી। નંબર ત્રણ, ખાલી જગ્યા ઇઝ અ ઇઝ એન એલિફન્ટ, એલિફન્ટ એટલે એ પ્રાણી છે માટે શું આવશે ઇટ, ઇટ ઇઝ એન એલિફન્ટ। નંબર ફોર, સી સોરી ખાલી જગ્યા ઇઝ અ નર્સ, નર્સ એ કોણ છે સ્ત્રી, માટે શું આવશે સી,
सी इज अ नर्स. नंबर फाइव, खाली जगह इज अ डॉक्टर. डॉक्टर इतले छोड़ माटे सु आवसे, ही इज अ डॉक्टर. नंबर सिक्स, खाली जगह इज अ फ्लावर्स. तो जवाब आवशे सी इज अ फ्लावर्स. नंबर सेवन, खाली जगह इज अ पैरो. तो शू आवशे, पक्षी छे, बर्ड्स माटे इट इज अ पैरो. नंबर सेवन, ही इज अ पोस्टमैन. पोस्टमैन एटले पुरुष माटे ही इज अ पोस्टमैन. नंबर नाइन, खाली जगह इज अ विंडो. विंडो एटले निर्जीव वस्तु छे एटला माटे शू आवशे, इट इट इज अ विंडो. नंबर दस, खाली जगह इज अ मिल्कमैन. मिल्कमैन एटले के पुरुष माटे ही इज अ मिल्कमैन. तो विद्यार्थी मित्रों, सीम्पल प्रेजेंट टेन्स नी खाली जगह, हेव हेज नी खाली जगह अने ही सी अने इट वड़े खाली जगह पूरो आज खाली जगह करी है. एनी अंदर थी तमने सेमिस्टर टू नी एक्जाम में सेक्शन सी विभाग में पूछवामां आवशे, तो तमारे एनी तैयारी करवी. हवे पछी आपणे जोईए सेक्शन डी नी अंदर, चित्र जुओ, प्रश्नों वाँचो अने कौंसमांथी योग्य उत्तर पसंद करीने लखो. तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नोनी अंदर तमने चित्र आप्या हशे आनी अंदरथी कोई पण, अने प्रश्न पूछवामां आव्यो हशे. जो छोकरीनुं चित्र होय तो प्रश्न पूछवामां आवशे के वॉट इज डूइंग, सॉरी वॉट इज सी डूइंग, अने कौंसमां आपशे रनिंग अने डांसिंग. तो छोकरी शू करी रही छे, तो दौड़ी रही छे. तो तमारे आंसर लखवो, कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करवो अने तेनो आंसर तमारे शोधीने लखवो. तो पहेलो चित्र से जुओ रनिंगनो, पछी आ चित्र सेनो छे तो डांसिंग. पछी जो छोकरानुं चित्र आप्युं होय तो आवी रीतनुं हशे अने तेनी अंदर प्रश्न पूछवामां आवशे के वॉट इज ही डूइंग, ते शू करी रह्यो छे. पछी जुओ चित्र छे क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट. पछी जुओ अहीं रीडिंग, तो वाँचवू. तो जो आ छोकरी वाँची रही छे. पछी बीजू चित्र आप्यू छे जम्पिंग. पछी सेनू छे ईटिंग लंच. पछी बाथिंग एटले के नाहू. पछी वॉशिंग एटले धोवू. पछी चित्र सेनू आप्यू छे तो कूकिंग. बीजू चित्र आप्यू छे राइटिंग अ लेटर. पछी जुओ आ चित्र सेनू आप्यू छे तो स्कीपिंग. पछी जुओ अहीं बेड पर सूतेलू माणस छे तो स्लीपिंग एटले के सूवू. पछी जुओ आ चित्र सेनू छे तो रीडिंग. रीडिंग एटले के सवारी. पीकिंग. पीकिंग एटले तोड़वू. पछी पैकिंग. आ पैकिंगनू चित्र छे एटले के भरवू. पछी क्नॉकिंग. क्नॉकिंग एटले के ठोकवू. तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न पूछवामां आवशे અને તમારે કૌંસમાંથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરી તમારે લખવાનું રહેશે. એના પછીનો પ્રશ્ન રહેશે કે નિબંધ લેખન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જે નોટબુકની અંદર નિબંધ લખાવ્યા છે એની અંદરથી જ નિબંધ તમને પૂછવામાં આવશે, તો તમારે એ નિબંધની તૈયારી કરવી. થેન્ક યુ.